गुड afternoon, वेलकम टू UGC NET सी नेट अलर ट्वेंटी फोर your आई एम योर गाइड फॉर इंग्लिश लिटरेचर प्रोफेसर to वेलकम टू माई क्लास और क्या कहते हैं आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम वेट कर रहे थे तो आप टाइम देखिए टाइम ऑलरेडी पौने तीन आई थिंक ढाई बजे के करीब क्लास का टाइम साढ़े तीन शिफ्ट हो गया था तो एक बार टाइम देख लिया करो प्लीज़ टाइम एक बार चेक कर uh, कर लीजिए बिकॉज़ अगर बाई चांस मुझे डिले हो रहा है तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि क्लास आगे थोड़ा शिफ्ट करा दूँ हम स्टार्ट ही सवा तीन या साढ़े तीन करें तो टाइम साढ़े तीन कर दिया था ऑलरेडी तो uh, थोड़ा एक बार ना टाइम भी प्लीज़ चेक कर uh, कर लीजिए जब भी आप क्लास में आते हैं ठीक है चलिए बहुत ही बढ़िया आइए अपनी क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं लिंग्विस्टिक्स uh, हम लोग कर रहे थे और लिंग्विस्टिक्स में फिलोलॉजी और उसके अराउंड जो इम्पोर्टेंट उसके सारे एलिमेंट्स हैं वो हमने कल काफ़ी सारे देख लिए थे हमने फोनीम्स देख लिए थे हमने मॉर्फीम्स मॉर्फोलॉजी देख लिया था हमने सिंटैक्स के कुछ एलिमेंट्स को जो है इसमें स्टडी कर लिया था उसके बाद नाम चॉम्स के, के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे हमारे पास परफॉर्मेंस कॉम्पिटेंस के इसके अलावा हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था पैराडिगमेटिक पेन चाहिए पैराटिक सिंटिकमेटिक रिलेशनशिप वो हमने जो है रोमन जेकब्सन का उसको भी कवर किया उसके बाद जो है हम लोगों ने फर्डन एंड दोश्योर एज द फादर ऑफ स्ट्रक्चरल लिंग्विस्ट और उनका जो कॉन्सेप्ट है ऑफ पेरोल और लैंड उसको भी कल स्टडी कर लिया था है ना ये सब थोड़ा मैंने आपको रिवाइज करवा दिया कि यहाँ तक जो है हम लोगों ने कर लिया था अब हम लोग जो है लिंग्विस्टिक्स के टॉपिक को आगे लेकर जाएंगे आइए शुरू करते हैं क्लास को सॉरी ये पेजेस इसके इतने सारे हैं ना फ्री स्टाइलिंग ये हमने कर लिया था जी एच मैं एक बार सॉरी पेज निकालू पेज मिसप्लेस हो गया है राइट right. सो so, यहां तक हम लोगों ने जो है कर लिया था अब हम लेटर पेज नंबर 199 से आज स्टार्ट करेंगे पेज 199 ठीक है नाम चॉम्सकी ने अपने एक बहुत ही सेमिनल वर्क सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स 1957 यहां से यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकला हुआ है डायरेक्ट क्वेश्चन है कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था इस वर्क में उन्होंने जो है ट्रांसफॉर्मेशनल और जनरेटिव ग्रामर की बात की है क्या हैं ये परसिस्टेंट इस्फोसिस इज ऑन द सेंट्रल फीचर्स ही कॉल्ड क्रिएटिविटी इन लैंग्वेज क्रिएटिविटी से क्या मतलब है क्रिएशन का क्या मतलब होता है क्रिएटिविटी का क्या मतलब होता है जब आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं तो चॉम्सकी इस बात से काफी हैरान रहते थे कि कैसे लैंग्वेज के रूल्स कोई भी लैंग्वेज है उसके ग्रामेटिकल रूल्स हैं वो लिमिटेड सेट ऑफ रूल्स हैं या किसी भी लैंग्वेज में जो नंबर ऑफ वर्ड्स वर्ड्स होते है, होते हैं हैं वो लिमिटेड लिमिटेड उन को यूज करके उसके ऊपर ग्रामेटिकल रूल्स अप्लाई करके हम कैसे इंटरेस्टिंगली अनलिमिटेड स्कोप ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं एक ही बात को कहने के हम दस तरीके निकाल सकते हैं तो ये काफी इंटरेस्टिंग है तो ये तो जो स्कोप है क्रिएटिविटी का लैंग्वेज में इससे चॉम्स काफी इंप्रेस थे एंड ही ऑल्सो टू एक्सप्लेन दिस रूल बाउंड क्रिएटिविटी ऑफ अ लैंग्वेज चॉम्स प्रपोज दट नेटिव स्पीकर एंड लिसनर्स कॉम्पिटेंस कंसिस्ट इन दर मास्टरी ऑफ अ सेट ऑफ जनरेटिव एंड ट्रांसफॉर्मेशनल रूल तो यह जो रूल बाउंड क्रिएटिविटी है वैसे तो क्रिएटिविटी वर्ड से पहले क्रिएटिविटी इंडिपेंडेंस इमेजिनेशन इन वर्ड्स को हमने रोमांटिक पोट्री के टाइम जो है समझा है कि वर्ड्सवर्ड -word के हिसाब से क्रिएटिविटी तो जो है वो तो अनलिमिटेड है ना उसका तो कोई रूल बाउंडेशन नहीं है उसमें तो कोई रूल बाउंडेशन अप्लाई भी नहीं होती है चॉम्स लेकिन ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि लैंग्वेज में जो क्रिएटिविटी है वो रूल बाउंड होती है क्यों क्योंकि वो ग्रामर के रूल से गवर्न हो रही है अब ये ग्रामर के जो रूल से गवर्न हो रही है ये दो प्रिंसिपल्स के अंडर हो रही है One is through generative rules, and the second is through transformational rules. This mode of linguistics is called generative in that it undertakes to establish a finite system of rules that will suffice to generate the totality of syntacti syntactically well formed sentences. द फैक्ट दैट लैंग्वेज इन इट सेल्फ इज जेनरेटिव कुछ जेनरेट कर सकती है कुछ क्रिएट कर सकती है लैंग्वेज इज जनरेटिव इन द सेंस कि उन लिमिटेड सेट ऑफ वर्ड से आप अनलिमिटेड स्कोप के सेंटेंसेज को क्रिएट कर सकते हैं एट द सेम टाइम इट इज ट्रांसफॉर्मेशनल इन दैट इट पॉस्टुलेट्स इन द डीप स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज सिस्टम अ सेट ऑफ कर्नल सेंटेंसेज ठीक है Which in accordance with the diverse rules of transformation serve रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सर्व टू of sentences ऑफ the surface. इसको मैं आपको अगर बहुत सिंपल टर्म्स में अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो ये आपका सी का सर्फिस है सी के सर्फिस के अंदर जो है मान लीजिए आपके यहां पर यह आपका लैंड है और लैंड से जो है आपका अर्थ के क्वेक प्रोड्यूस हो रहा है अंडर वाटर लैंड पे अर्थ को प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ से जो मूवमेंट उठेगी यहाँ से जो वाइब्रेशन uh, उठेंगी वो पानी के सर्फिस तक पहुँचेंगी और पानी के सर्फिस में जो है फिर सुनामी वेव्स क्रिएट करेंगी ठीक है तो आप मान लीजिए कि ये डीप लेवल पे एक चेंज क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से सरफेस लेवल पे उसका इंपैक्ट देखा जा रहा है वो कह रहे हैं लैंग्वेज में भी कुछ ऐसा होता है लैंग्वेज इज जनरेटिव इन द वे कि आप एक ही सेट ऑफ रूल सेट ऑफ वर्ड्स अनलिमिटेड स्कोप में सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं और ये जो सेंटेंसेस होते हैं आप इनको डीप स्ट्रक्चर या सुपर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं डीप स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर पे भी यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना हुआ है तो इन द वे की जो आपका सेंट्रल आइडिया है जिसको आप कन्वे करना चाह रहे हैं उसका कोई एक सिंपल सा सेंटेंस होगा फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया राम राइट्स अ लेटर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में एक सेंटेंस आपने बोल दिया है ये जो सेंट्रल आइडिया आप कन्वे करना चाहते हो इसको उन्होंने कर्नल सेंटेंस बुलाया है क्या बुलाया है कर्नल सेंटेंस और वो कह रहे हैं कि सेंट्रल आइडिया को आप कन्वे करने के लिए आप जो है अपनी लैंग्वेज को और ज़्यादा चेंज करके आप रिपोर्टेड स्पीच का यूज़ कर सकते हो आप एक्टिव पैसे वॉइस करके वॉइस चेंज कर सकते हो सेंटेंस की आप वर्ड्स चेंज कर सकते हो आप एडजेक्टिव जोड़ सकते हो इसके अंदर आप इसमें एडवर्ब्स जोड़ सकते हो तो सेंट्रल uh, आइडिया तो वही रहेगा बट ऑफकोर्स आप बहुत मॉडिफिकेशन इसे एक सेंट्रल सेंटेंस से कर सकते हैं जैसे कि अगर मैं इसको uh, मतलब इसका अगर हम वॉइस चेंज कर दें तो लेटर इज है ना? तो मेरा सेंट्रल मीनिंग तो चेंज नहीं हुआ लेकिन मेरा जो आइडिया था जो मैं कन्वे करना चाह रही थी मैं एक्शन को डिनोट करना चाह रही थी वो एक्शन डिनोट हो गया अब अगर मैं लिख दूर लेटर इज बीइंग रिटन सॉरी अ लेटर इज रिटन या क्या कहते हैं बाय गुड बॉय राम ठीक है तो उससे हम राम को ही और बेटर एक्जेम्पलीफाई कर पा रहे हैं सेंटेंस का मीनिंग अभी भी यहां पे चेंज नहीं हुआ सेंटेंस में अभी भी वही मीनिंग कन्वे हो रहा है जो इनिशियली हो रहा था तो डेफिनेटली एक सेंट्रल सेंटेंस है कर्नल सेंटेंस है वो हमारा डीप स्ट्रक्चर है और उस डीप स्ट्रक्चर से निकलकर एक ही सेंटेंस को आप वेरियस वेरिएशंस के थ्रू गो थ्रू करा सकते हैं वो आपका सेंटेंस का जो है सरफेस स्ट्रक्चर हो जाता है अब ये चेंजेस आप रिपोर्टेड स्पीच के फॉर्म में कर सकते हैं एक्टिव पैसिव की फॉर्म में कर सकते हैं एडजेक्टिव एडवर्ब की एडिशन से कर सकते हैं ठीक है न रीड दीज वेर एक्स्ट्रा वर्क व एक्स्ट्रा रीडिंग आपको जो है पढ़ने के लिए दी हुई है इनको आप पढ़ सकते हैं ठीक है जी चलो ये सारा हम लोगों ने कर लिया था लेटर एल का हम आई थिंक लेटर एम पे पहुंच गए थे लेटर एम पे अब हमने ये नया बहुत लंबा टॉपिक शुरू करना था जिसको आज मैं शुरू करना चाहती हूँ जिसका की नाम है मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म क्या है मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म सबसे पहले मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म को समझने से पहले सबसे पहले हमें यह समझ लेना है कि मार्क्सिज्म जो है आखिर क्या होता है आई एम श्योर आप सब लोग मार्क्सिज्म के बारे में कुछ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रख रहे होंगे मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बेसिक एक डेफिनेशन बता दो अकॉर्डिंग टू यू वॉट इज मार्क्सिज्म तो वहां से आई लाइक टू टेक इट फॉरवर्ड थोड़ा मैं अपना भी यहां से शुरू कर देती हूँ मार्क्सिज्मली अ पोलिटिकल थियोरी विच इज प्रपोज बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स इन्होंने मिड नाइनटीन सेंचुरी में असेंचली आइडिया प्रपोज किया था दैट वी लिव इन अ सोसाइटी दैट इज हाईली हाईली गवर्न बाय कैपिटलिस्ट मॉडल एंड वेर वी ऑल्सो लिव इन अ सोसाइटी वेयर देर इज एन इम्बेलेंस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इस सोसाइटी से ये जो सोसाइटी है दिस विल ऑलवेज कीप अ डिस्पैरिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर द प्रिवलिज एंड द अनडर प्रिवलिज So, in order to do away with this injustice and inequality,

सो so दैट किसी के पास जरूरत से कम किसी के पास जरूरत से ज्यादा कुछ भी ना हो ये एक सेंट्रल आइडिया मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है अब अगर इस सेंट्रल आइडिया को हम अप्लाई कर देते हैं लिटरेचर में अगर हम लिटरेचर को समझने के लिए कार्ल मार्क्स की इस थ्योरी को यूज करेंगे तो उसको हम मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म बुलाएंगे असेंशली मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म किसी भी लिटरेचर को स्टडी करता है थ्रू द लेंस ऑफ मार्क्सिज्म मार्क्स कार्ल मार्क्स का कहना था कि एनी थिंग एंड एवरी थिंग डैट यू लुक एट is nothing else but the uh, a product of the of of our production system. आप ये सारी जितनी भी चाहे literary text हो गए, चाहे हमारी कोई भी painting हो गई, कोई भी sculpture हो गया, in fact हमारे cultural rules and norms, ये सारे जो हैं उस particular point in time में जो means and modes of production रहे हैं, उनका result रहा है इसका मतलब है मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म में आप किसी भी वर्क को एनालाइज करने के लिए उसके सोशल के साथ साथ उसके इकोनॉमिक कंडीशंस को भी जो है डीपली स्टडी करते हैं ये मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म का एक एलिमेंट होता है अब बुक में देख लेते हैं बुक में जो है इसके बारे में क्या बात की की गई है मार्क्सिस क्रिटिसिज्म इन इट्स डाइवर्स फॉर्म क्राउंड्स इन द थियोरी इंड प्रैक्टिस ऑफ इकोनॉमिस्ट एंड कल्चरल थियोरिस्ट कार्ल मार्क्स एंड हिज फेलो थियोरिस्ट फ्रेडरिक एंजल्स दोनों के बर्थ ईयर्स देख लीजिए थोड़ा सा बर्थ ईयर्स राइटर्स के देखना शुरू कर दीजिए कहीं पे भी आपको किसी राइटर का बर्थ रेंज दिख रहा है बर्थ ईयर दिख रहा है स्पेशली वो जो इस बुक में मैंशनड है वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको पता है आप राइटर्स को भी वो क्रोनोलॉजी में डालने लगे तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने चाहे साथ में काम किया था पर बर्थ के हिसाब से कार्ल मार्क्स पहले हैं क्योंकि इनका बर्थ और इनकी डेथ जो है वो फ्रेडरिक एंजल्स से थोड़ी पहले की है और फ्रेडरिक एंजल्स जो है उनका बर्थ भी काल मार्क्स के बाद है उनकी डेथ भी काल मार्क्स के बाद है तो दोनों वर्क वाइज कंटेम्प्रेरीज थे अगर लेकिन अगर दोनों को ही क्रोनोलॉजी में पुट कर दिया तो आपको पता है आपको मार्क्स को जो है फर्स्ट ऑर्डर में पुट करना है अब आइडिया क्या है मार्क्सिज्म का इन द लास्ट एनालिसिस

जैसे मैंने बताया किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम में हिस्ट्री में किसी भी देश का उस वक्त जो लीडिंग मीन्स एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है अकॉर्डिंग टू कॉलमार्क्स वो डिफाइन करेगा वो डिटरमाइन करेगा कि उस सोसाइटी का जो ट्रेडिशन है कल्चर है वो कैसे इवॉल्व होगा वहाँ पे मिडिल क्लास आएगी या नहीं आएगी वहाँ पे एक्सप्लोइटेशन होगी या नहीं होगी वहाँ पे किस तरीके की पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स बनेंगी वहाँ पे किस तरीके का लिटरेचर लिखा जाएगा ये सब कुछ जो है मटीरियल प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है क्या है दरऑल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन दर्गेनाइजेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मटीरियल गुड्स सो वही जो मैंने आपको बोला मीन्स एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस इन द फंडामेंटल मोड ऑफ मटीरियल प्रोडक्शन इफेक्ट चेंजेस इन द क्लास स्ट्रक्चर जो भी आपका सिस्टम है आपका मीन्स एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है अगर उसमें चेंज आएगा तो अकॉर्डिंगली वो आपकी उस पर्टिकुलर सोसाइटी के क्लास स्ट्रक्चर में भी चेंजेस ले आएगा इस्टेब्लिशिंग इन ईच ईरा डोमिनेंट एंड सब क्लासेस तो ये जो एक डिस्पैरिटी है ये हमेशा जो है मेंटेन रहती है किसी भी ईरा में फॉर uh, एग्जांपल आप देखेंगे इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग टू तो नोट कि जिस ईरा में मिडिल क्लास नहीं थी तब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं है या जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी जब तक कैपिटलिज्म का ग्रोथ नहीं होता तब तक मिडिल क्लास नहीं आती है मिडिल क्लास के ग्रोथ होने से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगी इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो करेगी तो वहाँ से कैपिटलिज्म ग्रो करेगा कैपिटलिज्म ग्रो करेगा तो वहाँ से कंज्यूमरिज्म ग्रो करेगा ठीक है तो ये सब चीजें काफी इंटर रिलेटेड थी अगर आप हिस्ट्री को चेक करेंगे तो तो जहां पे आपका मीन्स एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगा उससे आपका क्लास स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा उससे हर पॉइंट इन टाइम में इन द हिस्ट्री ऑफ अ नेशन इन द हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी कुछ ना कोई ना कोई क्लासेस जो है वो डोमिनेट होंगी जो दूसरों को डोमिनेट करेंगी क्यों क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज हमेशा सरप्लस में होंगे और कुछ क्लासेस होंगी जो सबऑर्डिनेट क्लासेस होंगी क्यों क्योंकि इनके पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेज होंगे जो हमेशा माइनस में होंगे कमी में होंगे लैक में होंगे सो बिकॉज देर इज दिस लैक बेसिक अगर मैं फिर से साइंस यहाँ घुसाना चाहूँगी साइंस में हम लोगों ने सेवेंथ एट में ये का कांसेप्ट पढ़ा हुआ है का कांसेप्ट असेंशली डेफिनेशन क्या थी इट इज द पासिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देर लोअर लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन यही डेफिनेशन थी ओसोमोसिस की अब मैं यही बोलूँगी कि यहाँ पे डोमिनेंट क्लास के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं सबॉर्डिनेट क्लास के पास रिसोर्सेज जो है वो कम है तो ये जो ग्रेडियंट का चेंज आ जाता है इसकी वजह से दोनों क्लासेस में क्लास स्ट्रगल शुरू हो गई है जो सबॉर्डिनेट क्लास है वो डोमिनेंट क्लास से एक्स्ट्रा रिसोर्सेस छीनने की कोशिश करेगी ताकि वो अपनी कमी को पूरी कर सके और जो डोमिनेट क्लास है वो कोशिश करेगी कि वो अपने रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा अपने पास इकट्ठा करके रख सके ना कि सिर्फ उसे अक्यूमलेट करे उसको अमास करे बट उसको मेंटेन करके जनरेशनली प्रोपोगेट भी कर सके और उसको एक्सपोनेंशियली ग्रो भी कर सके ठीक है तो ये स्ट्रगल जो है, आ जाती है और ये स्ट्रगल इकोनॉमिक तो है ही है पर ये ये एक 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 बन बन जाती है, eventually जो है ये एक social struggle बन जाती है इतना point clear है 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 जो इतना सबको मुझे बार भेज देना परमेंट सेक्शन में अगर इतना point clear है तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन आइडियोलॉजी Human consciousness, human consciousness is constituted by an ideology that is the beliefs, values, and ways of thinking and feeling through which human beings perceive and by recourse to which they explain what they take to be reality. जितने भी ह्यूमंस हैं एक सोसाइटी में वो एक सर्टेन आइडियोलॉजी एक सेट ऑफ आइडियोलॉजिकल रूल से चलते हैं आइडियोलॉजी हमारे रहने के लिए जो है ज़रूरी है क्योंकि आइडियोलॉजी हमें बेसिकली वो बेसिस देती है जिसके थ्रू हम आ, अपनी लाइफ को गवर्न करते हैं वो आइडियोलॉजी सोशल भी हो सकती है इकोनॉमिक भी हो सकती है रिलीज़स भी हो सकती है अगर आप एथिस नहीं है एथिज़म भी एक आइडियोलॉजी है एथिज़म है गॉड को ना मानना किसी रिलीजन को ना मानना Uh, कोई अपने आप को हिंदू आइडेंटिफाई करेगा तो वो हिंदू आइडियोलॉजी से चलेगा कोई अपने आप को uh, मुस्लिम आइडेंटिफाई करेगा तो वो इस्लामिक आइडियोलॉजी से चलेगा कोई अपने आप को सिख मानेगा तो वो सिख आइडियोलॉजी से चलेगा सिमिलरली अगर आप जो है एक, एक ए, आ, मतलब एग्लेटेरियन सोसाइटी एक एक, एक यूटोपियन सोसाइटी में बिलीव करते हैं तो आप सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करेंगे अगर आप वर्ल्ड को जो है अगेन डिस्पैरिटी से देखते हैं डिस्पैरिटी की नज़र से इक्वालिटी की नज़र से देखते हैं तो शायद कैपिटलिस्ट सोसाइटी का मॉडल आपको लगेगा हाँ ये ठीक है आप अपने आप को फेमिनिस्ट बुला सकते हो आप अपने आप को एक मतलब सो 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 ऑन एंड सो फोर्थ सो बहुत सारी आइडियोलॉजीज हैं जो हमें हेल्प करती हैं अपनी लाइफ को गवर्न करने के लिए राइट सो उनके अकॉर्डिंग ये वो कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिससे हमारी रियलिटी कॉन्स्टिट्यूट होती है एन आइडियोलॉजी इज़ इन कॉम्प्लेक्स वे इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द पोजिशन एंड इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास आइडियोलॉजी आती कहाँ से आइडियोलॉजी एक तो आपका जो पोजिशन है इन द सोसाइटी एंड आपकी जो इंटरेस्ट है ठीक है आइडियोलॉजी आपकी पोजिशन और आपके इंटरेस्ट को डायरेक्टली इंफ्लुएंस भी करेगा और आपकी जो पोजिशन और आपकी जो रियालिटी है वो आपको एक सर्टन आइडियोलॉजी से बिलीव करने में मजबूर भी करेगी फॉर एग्जाम्पल एक इंसान जिसके घर में पानी का सप्लाई नहीं है सर पे छत नहीं है या फिर घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है ऐसा इंसान जो है हमेशा गवर्नमेंट को कोसेगा बिकॉज वो बोलेगा कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ नहीं किया तो वो हमेशा एंटी इस्टेब्लिशमेंट आइडियोलॉजी रखेगा ऑन दी अदर हैंड एक इंडिविजुअल जो गवर्नमेंट की करप्ट प्रैक्टिस से बेनिफिट उठा रहा है एडवांटेज उठा रहा है वो हमेशा प्रो डेमोक्रेसी रहेगा वो हमेशा प्रो गवर्नमेंट रहेगा वो हमेशा रूलिंग क्लास की आइडियोलॉजी को ही सपोर्ट करेगा तो आप कह सकते हैं कि आपके जो इंटरेस्ट और आपकी जो पोजिशन है सोसाइटी में वो डायरेक्टली आपकी आइडियोलॉजी को इम्पैक्ट करती है और आपकी आइडियोलॉजी रिवर्स में बाइजरसा आपकी पोजिशन और आपकी इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करेगी गवर्न करेगी इन एनी हिस्टोरिकल इरा द डोमिनेंट आइडियोलॉजी एंड बॉडीज एंड सर्वस टू लेजिटिमाइज एंड एंडचुएट द इंटरेस्ट ऑफ द डोमिनेंट इकोनॉमिक सोशल क्लास जैसे मैंने बोला जो डोमिनेंट क्लास है वो स्टेटस को मेंटेन करके रखने की कोशिश करेगी वो अगर आप एक बेनिफिट के स्टेट में जी रहे हो तो कौन पागल इंसान होगा ना जो अपने बेनिफिट को हटाने की कोशिश करेगा ऑब्वियस ही बात है अगर किसी स्ट्रक्चर से मॉडल से सिस्टम से अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है ऑफ कोर्स आप उस बेनिफिट को हमेशा अपने पास रखने की कोशिश करोगे अगर आपके पास किसी सोर्स से बहुत पैसा आ रहा है तो आप ना कि सिर्फ कोशिश करोगे आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ आप ये भी कोशिश करोगे कि उस पैसे को जोड़ के रखें और वो पैसा फैमिली में रहे वो पैसा फ़ालतू में खर्च ना हो राइट सो डोमिनेंट क्लास हमेशा अपनी uh, जो स्टेटस है uh, उसको स्टेटस को के स्टेट में रखने की कोशिश करेगी तो ये कुछ बेसिक हैं जो प्रसप्ट आइडियोलॉजी के अंडर आते हैं दिस आइडियोलॉजी वॉज नॉट डिस्कस बाय मार्क्स एंड एंजल्स आफ्टर द जर्मन आइडियलॉजी विश्टे रोड जॉइंटली एटीन फोर्टी बट इट हैज बिकम अ की कॉन्सेप्ट इन मार्क्सिस क्रिटिसिज्म याद रखिएगा आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटिस की बात आने वाले टाइम में लुई एल ने की थी लुई एल्थोजर टॉक्ट अबाउट आइडियलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्ट्रेट एपरेटस मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड यू जी सी नेट रिवियस या क्वेश्चन एंड कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स ने डायरेक्टली एज सच आइडियोलॉजी की बात नहीं की बट बिकॉज ऑफ लुई एल्थोजर कॉन्सेप्ट हम इसको मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म में डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट प्रसप्ट की तरह स्टडी करते हैं

मार्क्सिस बिकॉज अब तक मार्क्सिज्म तो आया नहीं था दे वर लुकिंग एट आइडियोलॉजी एज बेसिकली सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न योर लाइफ दो सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न योर कॉन्शियसनेस योर यू नो योर हाउ यू अंडरस्टैंड वर्ल्ड हाउ यू परसीव द वर्ल्ड वॉट कॉन्स्टिट्यूट रियालिटी फॉर यू ये सारी चीज़ें जो है वो आइडियोलॉजी मानी जाती थी फ्रेंच थिंकर्स फिलोसफर्स ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे थे कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक एंजल्स इसकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे थे बट इसकी इंपॉर्टेंस को एनलार्ज करने वाले अल्थूजर थे फिर राइट इन इट्स डिस्टिंगटिवली मार्क्सिस्ट यूज द द रेनिंग आइडियोलॉजी इन एनी एरा इज कंसीड टू बी अल्टीमेटली द प्रोडक्ट ऑफ इट्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड द रिजल्टिंग क्लास रिलेशन एंड इंटरेस्ट ये तो मार्क्सिज्म बोल ही रहा है दैट एनी थिंग एंड एवरी थिंग एट यू सी इन द सोसाइटी अराउंड यू द वर्ल्ड अराउंड यू इट इज़ नथिंग एल्स बट एन इफेक्ट ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स है ना जो भी हमारा मीन्स एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है जो भी हमारे मटीरियल एस्पेक्ट्स हैं सोसाइटी के वो आपकी रियालिटी को क्रिएट कर रहे हैं वो आपकी सोसाइटी को जो है शेप दे रहे हैं इसका मतलब है आइडियोलॉजी भी जो है कहीं ना कहीं वो आपके मीन्स एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन से ही निकल रही है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम में एक सोसाइटी में वहां के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स क्या हैं? क्या वो सोसाइटी हाईली फ्यूडलिस्टिक है और एग्रीकल्चर पे रिलाई कर रही है क्या वो सोसाइटी जो है मिडिल क्लास को सपोर्ट uh, कर रही है तो वहां से क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन निकल रही है क्या हम आईटी पे ज्यादा रिलाय कर रहे हैं बेस्ड ऑन दैट आपकी आइडियोलॉजी भी चेंज होती रह सकती है राइट कार्ल मार्क्स का मानना था कि हमारे फिजिकल वर्ल्ड में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एवरीथिंग दैट यू लुक एट उसको जो है उन्होंने बेस स्ट्रक्चर कहा है आइडियोलॉजी को उन्होंने जो है सुपर स्ट्रक्चर बोला बिकॉज आइडियोलॉजी जो है वो एक सेंस ऑफ डिवेलप्ड सेट ऑफ आइडियल से आती है जैसे एक 10-12 साल का बच्चा जो है वो स्कूल जा रहा है तो वो एक सोशल स्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ को डेफिनेटली टेक अप कर रहा है लेकिन एक 10-12 साल के बच्चे से आप आइडियोलॉजिकल इंटेलिजेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो तो उन्होंने कहा था असेंशली कि मार्क्स का ये मानना था दैट इफ देर इज समथिंग लाइक आइडियोलॉजी देन डेफिनेटली इट इज अ काइंड ऑफ अ सुपर स्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट इन द सोसाइटी वो हमारी लाइफ के बेस एलिमेंट्स नहीं है मार्क्स रिप्रेजेंटेड आइडियोलॉजी एज अ सुपर स्ट्रक्चर ऑफ विच द कॉन्करेंट सोशल इकोनॉमिक सिस्टम इज द बेस तो जो कुछ आप अपनी आंख के सामने प्रैक्टिकली देख रहे हो आप अपनी आंखों के सामने एग्रीकल्चर होता देख रहे हो बिजनेस होता देख रहे हो सोशल सर्विस क्लासेस सर्विस वाली जो है जॉब्स देख रहे हो वो चीज़ें जो डायरेक्ट मटीरियल प्रोडक्शन कर रही हैं या फिर सर्विसेज की प्रोडक्शन कर रही हैं ये हमारी सोसाइटी के बेस स्ट्रक्चर्स हैं आइडियोलॉजी जो है हमारी सोसाइटी का सुपर स्ट्रक्चर है बिकॉज़ ये अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट है काफ़ी ज़्यादा और ये एक सेंस ऑफ मचोरिटी से ही डिवेलप हो सकता है

मान लीजिए एक इंसान बहुत ही प्रैक्टिकल है वो बोलेगा कि मैं तो भगवान में भी नहीं मानता मैं तो भूत प्रेत में भी नहीं मानता बिकॉज वो चीज़ मुझे दिखती नहीं है तो जो चीज़ मुझे दिखती नहीं है वो चीज़ मुझे मैं उसमें बिलीव नहीं करूँगा दूसरी तरफ एक इंसान है जो अध्यात्म से जुड़ा है वो भगवान में भी मानेगा वो भूत प्रेत में भी मानेगा वो शैतान में भी मानेगा वो पिशाच में भी मानेगा वो परियों में भी मानेगा तो ऐसा जो इंसान है वो लाइफ में डेफ़िनेटली एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को भी महत्व दे रहा है ऐसा इंसान ये नहीं मानता कि आ, आपको जो है जो चीज़ें दिखती हैं वही एग्जिस्ट करेंगी उसके अलावा जो है दुनिया में कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा तो असेंशली फ्रेडरिक एंजल्स ने इस आइडिया को एक्सपैंड किया उन्होंने कहा कि जो लोग आइडियोलॉजिकली um, साउंड होते हैं ज़्यादा एक्चुअली वो उनको पता नहीं होता वो अनकॉन्शियसली जो है कुछ आइडियल्स को अपने दिमाग में बिठा के बैठे होते हैं ये कुछ प्री अजम्पन्स हैं प्री कंसीव नोशन्स हैं जो उनके दिमाग में होते हैं और उनका हमारी सोसाइटी के साइंटिफिक प्रैक्टिकल रियल एलिमेंट से प्रोडक्ट एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है तो उनका मटीरियल लाइफ से जो है कोई लेना देना नहीं है तो साइंटिफिक वर्ड uh, जो है यहाँ साइंस से रिलेटेड नहीं है साइंटिफिक का मतलब है समथिंग दैट इज़ टैंजिबल समथिंग दैट इज टैंजल दैट इज प्रैक्टिकल ठीक है जिसको आप इकोनॉमिक मटेरियल की तरह पोजेस कर सकते हो ठीक है अ फर्दर क्लेम इज दैट इन द ईयर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन दैट इमर्ज इन वेस्ट ड्यूरिंग द एटीन सेंचुरी द रेनिंग आइडियोलॉजी इन द इंटरेस्ट ऑफ द डोमिनेंट एंड एक्सप्लोटिव क्लास

क्योंकि रूलिंग क्लास तो जो है आपकी एरिस्टोक्रेसी थी बट ये ऐसी क्लास थी जो अपने हाथ में कई इकोनॉमिक जो रिसोर्स है उनको होल्ड कर रही थी बेस्ड ऑन दैट हो सकता है वो बड़े बड़े एग्रीकल्चरल लैंडस कौन कर रही होगी हो सकता है उनके पास जो है अपनी फैक्ट्रीज और अपनी इंडस्ट्रीज बनी हो बेस्ड ऑन दैट वो अपने अंडर लेबरर्स को हायर कर पा रही हैं तो वो जो लेबर क्लास थी उनको प्रोलिटेरियट्स बुलाया जा रहा था ये वेज अर्निंग क्लास थी जो दिहाड़ी पर काम करती थी और इनको गवर्न करने वाले इनको रूल करने वाले ऊपर बैठे थे बुर्जवाई ये जो बुर्जुआ क्लास क्लास है है ये वो है जो कि डोमिनेंट क्लास थी अगेन डोमिनेंट का मतलब रूलिंग होना जरूरी नहीं है डोमिनेंट मतलब ये दूसरी क्लास को डोमिनेट कर पा रही है इसलिए ये इसको हमने डोमिनेटिंग क्लास बुलाया है अब एक इंसान अपने अंदर हजार लेबरर्स से काम करवा सकता था और उसके लेबरर्स जो हैं उनको हो सकता है वो भूखमरी से मर जाए लेकिन वो जो ओनर है इंडस्ट्री का वो अपने आलिशान घर में रह पा रहा था और वो लाइफ के सारी रिचेज़ और लग्जरीज़ को एंजॉय कर पा रहा था तो वो एक्सप्लॉयटेटिव था तो ये जो डोमिनेंट क्लास का बंदा है ये एक्सप्लॉयटेटिव भी है क्यों क्योंकि ये अपने अंडर काम करने वाले दिहाड़ी पे काम करने वाले वेज अर्निंग वर्कर्स को अपने नीचे दबा के रखता था उनको वो रिसोर्सेस उनके साथ शेयर ही नहीं करता था जो इन्होंने क्रिएट किए है ठीक है रूलिंग क्लास आपकी सेपरेट हो गई रूलिंग क्लास फिर आपकी जो है एरिस्टोक्रेसी हो गई जो असेंशली वॉर्स लड़ रही थी या जो देश में लॉज बना रही थी एटसेट्रा एटसेट्रा दिस आइडियोलॉजी इट इज क्लेम्ड टू हु हु वर टू लिव इन एंड विद इट सीम्स अ नेचुरल एंड इनएविटेबल वे ऑफ सीइंग एक्सप्लेनिंग एंड डीलिंग विद द वर्ल्ड ऑफ कोर्स फॉर एनीबॉडी हु इज लिविंग विद अ प्रिविलेज व्हाई विदिलेज वाई वुडर क्वेश्चन इट फॉर एग्जांपल ये पूरा मुद्दा जो है न, इसका नेपोटिज्म का क्या नेपोटिज्म पहले से नहीं हो रहा था क्या ऐसा नहीं था कि पहले बॉलीवुड में जो बड़े बड़े स्टार्स हैं वो अपने बच्चों को लॉन्च नहीं करते थे क्या उन बच्चों को जो है न्यू कॉमर्स से ज्यादा एडवांटेज नहीं मिल रहे थे किड्स द स्टार किड्स सो कॉल्ड उनको इस क्वेश्चन को आंसर करना पड़ा इट इज ओनली देन स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज इन लोगों को सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जाने लगा राइट right? तो वो ट्रोलिंग की वजह से उनको एड्रेस करना पड़ा नेपोटिज्म का इशू वरना नेपोटिज्म तो पहले से चल रहा था उसको कोई एड्रेस करने वाला नहीं था ठीक है इन लोगों को ये नेचुरल वे लगेगा लाइफ का ठीक है उनको लगेगा ये सब लेजिटिमेट है हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है बुर्जुआई आइडियोलॉजी इज रिगार्डेड एज बोथ प्रोड्यूसिंग एंड परमिटिंग द सोशल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन बिलीफ एंड प्रैक्टिस ऑफ द प्रेजेंट एरा क्योंकि इन लोगों के लिए जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है और इनके पास इनके हाथ में खास पावर भी है उस पावर के बेसिस पर ये लोग ऐसे सोशल रूल्स क्रिएट कर पा रहे थे ऐसे कल्चरल नॉर्म्स क्रिएट कर पा रहे थे ऐसे आइडियोलॉजिकल सिस्टम्स क्रिएट कर पा रहे थे ऐसे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर पा रहे थे जो इन्हीं की आइडियोलॉजी को आगे जो है प्रोपोगेट करेगा ठीक है बट वाई इफ दे हैव टैलेंट हाँ लर्न इंग्लिश लिटरेचर दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन एनी सो फॉर एग्जाम्पल हम ये न्यू क्लासिकल एज के बारे में पढ़ते हैं न्यू क्लासिकल एज में डेढ़ सौ साल एक ट्रेंड चलता है लिटरेचर का जिसके अंदर पोइटिक डिक्शन पे फोकस है स्ट्रिक्ट इमिटेशन ऑफ क्लासिकल राइटर्स पे फोकस है राइटर्स लाइक जॉन राइडन लाइक एलेक्जेंडर पोप लाइक सैमुअल जॉनसन दे वर एबल टू होल्ड दैट पावर जॉन रॉइडन अलेक्जेंडर पोप जो रूल्स बना रहे थे बाकी पोएट्स को उन रूल्स को फॉलो करना पड़ रहा था ठीक है अब ये जो पोएट्स थे हमारे ये डोमिनेंट पोएट्स थे ये डोमिनेंट पोएट्स थे कहीं ना कहीं इसका पोलिटिकल रीज़न भी था पोलिटिकल रीज़न ये था कि इन लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन जो है किंग्स या क्वीन से था जॉन राइटन खुद पोएट लॉरियट थे अलेक्जेंडर पोप वॉज पर्सनली वेरी क्लोज टू द किंग्स एंड क्वीन्स इन हिज इरा सो दे हैड दट एडवानलवेज़ उस उस पोलिटिकल एडवाटेज की वजह से उनको डेफिनेटली एक्नॉमिक एडवाटेजेस भी थी उनके पास देवर वेरी ऑलवेज वेरी वेल ऑफ देस लिव गिले ऑलवेज लिव वेरी लग्जोरियस एंड प्रिवलिज लाइफ तो अब वो अपनी जो वो पोएम्स लिख रहे थे बाकी पोएस के लिए वो नॉर्म्स बनते जा रहे थे वो रूल्स बनते जा रहे थे क्योंकि इन लोगों के पास अथॉरिटी वो, वो थी वो ऐसी पोजिशन पे थे जहाँ से वो ऐसे रूल्स को गवर्न कर रहे थे ठीक है तो डोमिनेंट क्लास सबसे पहले ना कि सिर्फ रूल कर ना कि सिर्फ वो जो प्रोलिटेरियट है उसको दबा के रखने की कोशिश करेगी पर ये भी कोशिश करेगी कि सिर्फ एक पीढ़ी दो पीढ़ी ये हमारा रूल जो है ना चले हम डोमिनेंट रहें जनरेशन बाय जनरेशन सेंचुरी आफ्टर सेंचुरी इसके लिए वो सोसाइटी में आई एम सो सॉरी इसके लिए वो सोसाइटी में ऐसे सोशल और इकोनॉमिक रूल्स प्रपोज करने की कोशिश करेंगे ऐसे इंस्टीट्यूशन खड़े कर देंगे आई एम सो सॉरी मेरा गला हल्का सा खराब लग रहा है जिसके भी हमें हाँ जी सो सॉरी आई एम बैक ठीक है तो ये सोसाइटी को इन अ वे अपने उंगली पे नचाने की कोशिश करेंगे तो जो भी सोशल कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं जो भी इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं जो भी डोमिनेंट आइडियोलॉजी है लिटरेचर कैसा लिखा जा रहा है मीडिया किस तरीके की न्यूज़ स्प्रेड कर रही है वो सब ये अपने अंडर लेके चलने की कोशिश करेंगे यहाँ तक कि उस पीरियड के रिलीजन को भी अपने हिसाब से मोल्ड कर देंगे मोरालिटी को भी फिलासफ़ी को भी पॉलिटिक्स को भी इनफैक्ट लीगल सिस्टम को भी ठीक है इन अकॉर्डेंस विद सम ऑफ द व्यूज जस्ट आउटलाइंड अ मार्क्सिस क्रिटिक टिपिकली अंडरटेक्स टू एक्सप्लेन एनी लिटरेचर इन एनी हिस्टोरिकल ईरा नॉट एज क्रिएटेड इन अकॉर्डिंग विद टाइमलेस आर्टिस्टिक क्राइटीरिया बट एज प्रोडक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक एंड आइडियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स स्पेसिफिक टू दैट इरा असेंशियली हम लोग ये देख रहे हैं कि कोई भी डोमिनेंट क्लास है क्योंकि वो अपनी आइडियोलॉजी अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपने प्रिविलेज के हिसाब से कल्चरल प्रोडक्शंस कर रही थी तो अब एक क्रिटिसिज्म क्रिटिक का काम हो जाता है एक वर्क एक बुक एक को एक मटेरियल प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करना उसके लिए वो बुक कोई आर्टिस्टिक क्रिएशन नहीं है किसी राइटर के टैलेंट का कोई सबूत नहीं है उसके लिए वो जो बुक है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम जब वो बुक लिखी गई उस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम वो उस सोसाइटी में वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या थे वो जो क्रिटिक है वो उनको कंसिडर करेगा और उन सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन uh, थे उनके प्रोडक्ट की तरह जो है वो उस बुक को स्टडी करेगा यहाँ से जो है आपका मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म आता है मार्क्सिस क्रिटिक्स देमसेल्व्स डिस्क्राइबड एज वल्गर मार्क्सिज्म एनालाइज्ड अ बुर्जुआई लिटरेरी वर्क एज इनडायरेक्ट कोरिलेशन विद द प्रेजेंट स्टेज ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड डिमांडेड दैट सच वर्क्स बी रिप्लेस्ड बाय सोशल रियलिज्म दैट वुड रिप्रेजेंट द ट्रू रियलिटी एंड प्रोग्रेसिव फोर्सेस ऑफ आवर टाइम तो हमारे अब जैसे अगेन जस्ट इट इज इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट और मैं हमेशा Uh, मुझे पता है हमारे हमारा जो सब्जेक्ट है ये इसमें रट्टा बहुत ज्यादा हो जाता है इतना रट्टा हो जाता है कि कभी कभी लर्न करना लेवल के बियॉन्ड होता है जिन चीजों को आप लॉजिक से समझ सको ना उनको लॉजिक से समझने की कोशिश करो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि सिक्सटीन से सेवनटीन तक जो मूवमेंट है ये है न्यू क्लासिकल एज न्यू -क्लासिकल, क्लासिकल एज जो है ये डोमिनेंट आइडियोलॉजी से ही चल रही थी हाँ ना? Like Ryden, Pope, Johnson, है ना राइटर्स लाइक जॉन राइडन अलेक्सेंडर पोप डॉक्टर कर रहे थे सॉर्ट sort ऑफ of. तो ये क्लास, ये ये क्लास जो पूरी एज है आइडियोलॉजी से चलती है अब इनको टारगेट करने आ जाते हैं द प्रोलेटेरियट्स प्रोलेटेरियट्स फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन की आवाज उठाएंगे वहां से रोमांटिक एज निकलती है तो एक सोसाइटी में जब सोशल ऑर्डर में चेंज आएगा वो चेंज आने के लिए उथल पुथल होनी जरूरी है तो 1798 से 1837 के बीच में ये उथल-पुथल का जो पीरियड है ये हमारा रोमांटिक एज था रोमांटिक एज जो था इसमें जो आपका प्रोलेटेरियड है ये आपकी बुर्जुआई बुर्जुआई क्लास को चैलेंज कर रही है इसलिए इस पीरियड में जो है आप देखेंगे कि इनोवेशन पे फोकस है इमेजिनेशन पे फोकस है फ्रीडम पे फो, फोकस है लिबर्टी इक्वालिटी फ्रिटर्निटी पे फोकस है नए तरीके की पोएम्स लिखी जा रही है एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है बट ये सब कुछ हाईली आइडियोलॉजिकल था बिकॉज किसी भी रेवोल्यूशन को उठाने के लिए आइडियोलॉजी की बहुत ज़रूरी हो, ज़रूरत होती है रोमांटिक एज जो है हाईली आइडियोलॉजिकल है यहाँ पे अभी चैलेंज का एक रेवोल्यूशन का पीरियड चल रहा है इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट एज आती है वो आती है विक्टोरियन एज 1837 से 1901 ये जो आपकी विक्टोरियन एज है इसमें आप देखेंगे लिटरेचर जो है हाईली रियलिस्ट है सोशल रियलिज्म के वर्क्स या रियलिज्म के अलग अलग वर्क साइकोलॉजिकल रियलिज्म इंडस्ट्रियल रियलिज्म सोशल रियलिज्म रिलीजियस रियलिज्म रियलिज्म के ही अलग अलग टाइप्स जो हैं वो आपको इस पीरियड में देखने को मिलते हैं इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट कि यही वो पीरियड है एक्टिव यही वो पीरियड था जब मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स उठे थे यही वो पीरियड था जब सबसे पहले ये मुद्दा उठाया गया था कि भाई इस तरीके का डोमिनेंट आइडियोलॉजी का लिटरेचर क्यों लिखा जा रहा है और अच्छा है रोमांटिक जाए बिकॉज वो उथल पुथल जो करनी थी वो जो चेंज करना था वो आना जरूरी था लेकिन अब हमें एक ऐसा लिटरेचर क्रिएट करने की जरूरत है जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी की आइडियोलॉजी को ट ना करे बल्कि लाइफ की रियलिटी को दिखाए सोशल रियलिटी को दिखाए तो हमें सोशल रियलिज्म के वर्क्स को लिखना पड़ेगा सो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नोट कि सोशल रियलिज्म जो है वो ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली आता है तब जब मार्क्सिज्म का ग्रोथ हो रहा है अब हम देखते हैं राइटर्स लाइक हेनरी किप्सन जो नेचुरजम के थ्रू यूरोपियन सोसाइटी के मॉरल करप्शन को दिखाने की कोशिश कर रहे थे वी हैव राइटर्स लाइक चार्ल्स डिकेंस जो अपने नॉवल्स के थ्रू सोशल क्रिटिक्स लिख रहे थे अपने हर नावल में उन्होंने किसी ना किसी इंग्लिश सोशल क्रिटिक सोशल इविल का जो है क्रिटिक किया है फिर चाहे वो ऑर्फन का हो डेड प्रिजन का हो चांसरी कोर्ट्स का हो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का हो एसेट्रा एसेट्रा है ना तो ये समझने की कोशिश करो आप कि इट इज इंटरेस्टिंग कि कैसे आइडियोलॉजी जो है गवर्न कर रही थी एक पीरियड के लिटरेचर को तो ये जो राइटर्स हैं इन्होंने कहा कि भाई देखो आइडियोलॉजिकल जो क्लास है जो जो डोमिनेंट क्लास है वो तो अपनी आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करेगी हमें इसको रोकना है लिटरेचर को एक पर्टिकुलर ईरा की रियलिटी को दिखाना है एक्सप्लॉयटेशन को दिखाना है सब्जुकेशन को दिखाना है करप्शन को दिखाना है तो हमें जो है सोशल रियलिज्म के वर्क्स को उठाना पड़ेगा तो अब उन्होंने डिमांड की सोशली रियलिस्ट लिटरेचर की दैट वुड रिप्रेजेंट द ट्रू रियलिटी एंड प्रोग्रेसिव फोर्सेस ऑफ आर टाइम ठीक है एज अपोज टू वल्गर मार्क्सिज्म ठीक है मार्क्सिज्म और द बुर्जुआई आइडियोलॉजी ऑफ लिटरेचर ठीक है अब हंगरी में हंगरी नेशन में एक और क्रिटिक उठते हैं मार्क्सिस जिनका नाम है जॉर्ज ल्यूकस इनके ऊपर भी कई क्वेश्चंस बने आपके पास में यूजीसी में जॉर्ज ल्यूकस वन ऑफ द मोस्ट वाइडली इन्फ्लुएंशियल ऑफ मार्क्सिस क्रिटिक्स रिप्रेजेंट्स सच अ फ्लेक्सिबल व्यू ऑफ द रोल ऑफ आइडियोलॉजी उन्होंने आइडियोलॉजी को थोड़ा फ्लेक्सिबली समझने की कोशिश की ही प्रपोज दैट ईच ग्रेट वर्क ऑफ लिटरेचर क्रिएट्स इट्स ओन वर्ल्ड विच इज़ यूनिक एंड सीमिंगली डिस्टिंग फ्रॉम एवरी डे रियालिटी कि लिटरेचर एक अलग यूनिवर्स क्रिएट कर देता है जो हमारी रियालिटी से हमें एस्केप दिलाती है बट मास्टर्स ऑफ रियलिज्म इन द ना सच एज बैल्जैक और टोल स्टॉय बाय ब्रिंगिंग टू लाइफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिचनेस ऑफ द ऑब्जेक्टिव कंडीशन ऑफ लाइफ एंड बाई क्रिएटिंग टिपिकल कैरेक्टर्स इन प्रोड्यूसिंग अ फिक्शनल वर्ल्ड विच इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ इन द ग्रेटेस्ट कॉन्क्रीटनेस एंड क्लैरिटी विद इट्स मोटिवेटिंग कॉन्ट्रिडिक्शन तो उन्होंने बोला कि लिटरेचर को पूरी तरीके से खारिज नहीं कर सकते जैसे कि मार्क्सट जो राइटर्स थे या इनिशियल जो हमारे मार्क्स क्रिटिक्स थे जर्मन फिलासफर्स थे उनके लिए लिट्रेरी uh, पीसिस जो हैं वो हाईली हाईली uh, बुरजो आई थे जो कि बुरजो आइडियोलॉजी डोमिनेट आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट कर रहे थे जॉर्ज लुकस ने बोला नहीं हम डेफिनेटली कुछ ऐसे राइटर्स को प्रेजेंटली कंटेम्प्रेरी एज में देख सकते हैं जो डेफ़िनेटली वर्क्स ऑफ लिटरेचर ही लिख रहे हैं लिटरेचर के थ्रू वो रियलिटी से एक एस्केप तो दे रहे हैं बट एट द सेम टाइम वो उन्हीं कैरेक्टर्स को उन नॉवेल्स में डाल रहे हैं वो उन्हीं सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में उन नॉवेल्स में बात कर रहे हैं जो एक्चुअली हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है तो एक दूसरा कैरेक्टर एक फिक्शनल वर्ल्ड एक फिक्शनल रियालिटी क्रिएट करते हुए भी वो सोशल प्रॉब्लम्स को टारगेट कर पा रहे हैं वो उन कैरेक्टर्स को हाईलाइट कर पा रहे हैं जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करते हैं रीडर्स तक बात पहुंच रही है कि भाई देखो ये मुद्दा है ये हमारी सोसाइटी में चलता है और हमें ये चलाने नहीं देना है हमें इसको अटैक करना है तो ऑब्जेक्टिव कंडीशन ऑफ लाइफ से ही वो अपना रॉ मटेरियल पिक करके अपना लिटरेचर उठा रहे हैं सो बैलजैक हमारे फेमस फ्रेंच <coughs> uh, रियलिस्ट थे टोल हमारे फेमस रशियन रियलिस्ट थे तो ये अपने नॉवल्स के थ्रू ये गोल को अचीव कर पा रहे हैं दैट इज द फिक्शनल वर्ल्ड ऑफ सच ग्रेट राइटर्स अकॉर्ड्स विद द मार्क्सिस कंसेप्शन ऑफ द रियल वर्ल्ड तो जॉर्ज लूगस ने बोला नहीं लिटरेचर को सिर्फ जो है गलत बोलने की गलत ठहराने की जरूरत नहीं कि लिटरेचर सिर्फ डोमिनेंट आइडियोलॉजी yes, यस डोमिनेंट आइडियोलॉजी को एक टाइम तक सपोर्ट कर रहा था लिटरेचर लेकिन हमारी कंटेम्प्रेरी एज में ही हमारे कंटेम्प्रेरी यूरोप में ही ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं जो उस डोमिनेंट आइडियोलॉजी को चैलेंज कर रहे हैं वो हमारी सोसाइटी की रियालिटी को डिपिक्ट कर रहे हैं ठीक है सो यस नीचे आ जाइए अच्छा इनका ये वर्क है ये वर्क एक बार नोट कर लो बिकॉज ये पेपर में आ सकता है सो ही टॉक्ड अबाउट दीज आइडियाज इन हिज वर्क राइटर एंड क्रिटिक एन अदर एसेज नाइनटीन सेवेंटी में इसका जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ था जिसमें उनका बहुत ही फेमस एसे आया था मार्क्स एंड एंजल्स ऑन एस्थेटिक्स मार्क्स एंड एंजल्स ऑन एस्थेटिक्स ठीक है ये ऐसे का टाइटल जो है आप लोग लर्न लें कर लेंगे अब फ्रैंकफर्ट स्कूल पे रिसेंटली यूजीसी में पेपर में क्वेश्चन आया अभी जून वाले पेपर में फ्रैंकफर्ट स्कूल पे क्वेश्चन आया था

तो जॉर्ज लूकस ने कहीं ना कहीं जो है फिर ये भी हाईलाइट किया कि नाइनटीन सेंचुरी के राइटर्स अपनी रियलिटी को बहुत ही ट्रूली और बहुत ही ऑनेस्टली सिंसियरली रिप्रेजेंट कर पा रहे थे तो वो सोशल प्रॉब्लम्स को भी रिप्रेजेंट कर पा रहे थे लेकिन ट्वेंटियथ सेंचुरी में आते आते राइटर्स जो हैं उनका व्यू ऑफ लाइफ काफ़ी डिस्टॉटेड हो जाता है फ्रेगमेंटेड हो जाता है तो हमें पता ही है कि मॉडर्न लिटरेचर में फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल रही है तो ये जो एंड ऑफ विक्टोरियन एज में जो डेकेडेंस देखने को मिली थी और जो मॉडर्न मॉडर्निस्ट लिटरेचर में जो फोकस है ऑन मोड्स ऑफ सब्जेक्टिविटी एंड अ डिस्टोर्टेड एंड फ्रेगमेंटेड व्यू ऑफ लाइफ ये कहीं ना कहीं हमारे रियल लाइफ के रियल वर्जनस को डिस्टोर्ट कर रहा है ये हमारी लाइफ की रियलिटी को रिप्रेजेंट होने से रोक रहा है ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी अड़चन है तो उन्होंने क्वेश्चन उठाया ये कि मॉडर्निस्ट राइटर्स जो थे ये जिस तरीके से रियलिटी को डिस्टॉर्टेड और फ्रेगमेंटेड प्रेजेंट कर रहे हैं क्या इससे मार्क्सिस पर्सपेक्टिव से कुछ सोसाइटी को कोई फ़ायदा है या नहीं है वहाँ से जो है इन अपोजिशन टू लूकस फ्रैंकवर्ड स्कूल ऑफ जर्मन मार्क्स मार्क्सिस स्पेशली थियोडोर ओडोर्नो एंड

उन्होंने जो है सेंचुअली कहा था फ्रैंकफर्ट स्कूल ने आ, हमारे जो जर्मन फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो मार्क्सिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि डिस्टॉर्टेड रियलिटी दिखा के ये राइटर्स एक कमाल की चीज कर रहे हैं ये एलिनेशन इफेक्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं बिटवीन द रीडर एंड द राइटर अब एलिनेशन इफेक्ट की वजह से जो रीडर है हर पॉइंट पे इस बात से अवेयर है कि जो वो पढ़ रहा है वो एक वर्क ऑफ लिटरेचर है वो उस वर्क में इमोशनली एंगेज नहीं कर रहा उसका लॉजिक चल रहा है उसका रीजन चल रहा है उसका दिमाग चल रहा है तो वो उन इश्यूज को समझ पा रहा है जो राइटर कन्वे करने की कोशिश कर रहा है तो रियालिटी को डिस्टॉर्ट करके हम कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं इनफैक्ट हमारे मॉडर्निस्ट राइटर्स पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ही क्रिएट कर रहे थे लिटरेचर की दुनिया में ठीक है ना वो, वो एक नेगेटिव जो नॉलेज है वर्ल्ड की उसको जो है हाईलाइट कर रहे हैं नेगेटिव नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड को जो है हाईलाइट कर रहे हैं ऑल द डीह्यूमेनाइजिंग डीह्यूमेनाइजिंग इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस ऑफ सोसाइटी अंडर कैपिटलिज्म कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो जितने भी डीह्यूमेनाइजिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं एडोर्नो एंड हॉकेनआइमर

नेशनल्स को उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ सोल्जर्स जो मरे हैं उनके जो परिवार वाले उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ ये तो सारी एक क्लास ये पॉलिटिकल और पावर स्ट्रगल थी जो पॉलिटिकल लीडर्स के बीच की थी नेशंस के बीच में थी आइडियोलॉजी के बीच में थी जिसकी वजह से आम आदमी पिसा तो ये जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो मार्क्सिस्ट हैं इन्होंने इस क्वेश्चन को उठाया कि हमारे मॉडर्न एज में पोस्ट मॉडर्न एज में स्पेशली वर्ल्ड वॉर टू के बाद हमें हम ऐसा लग रहा है हम वापस एग्नो एज और प्री क्रिश्चियन ईरा में जा रहे हैं हम फिर से बारबैरिक्स बन रहे हैं हम फिर से लड़ाई करने वाली ट्राइब्स बनते जा रहे हैं क्योंकि डेफिनेटली हम इंसान बनना भूल गए हैं और इस पीरियड का जो एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर है रियलिटी को डिस्टॉर्ट करके रियलिटी को फ्रेगमेंटेड दिखा के वो और ज़्यादा इस फैक्ट को हाईलाइट कर रहा है

एरिस्टोटल जो कहते हैं कि और फियर प्रोड्यूस होना चाहिए रियलिटी की इमिटेशन होनी चाहिए ऑफ कोर्स वो उन चीज़ों को बिल्कुल खारिज कर रहे हैं अपने एपिक थिएटर के थ्रू अपने थिएटर ऑफ अपसर्ड के थ्रू ये तो हमें पता ही है बट बट ऑल ब्रेक प्रपोजेस इन स्टेड दैट द इल्यूजन ऑफ रियालिटी शुड बी डेलिबरेटली शैटर्ड बाई द एपिसोडिक प्लॉट ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एलिनेशन इफेक्ट में कि एपिसोडिक आप प्ले कर दो ठीक है जो प्रोटैगनिस्ट हैं उनको ऑडियंस के सिंपथी का सब्जेक्ट बनने ही ना दो ना कोई ऐसा पॉइंट ही ना लाओ ना अपने प्ले में जहां पे आपकी ऑडियंस है वो आपके कैरेक्टर्स के साथ सिंपथाइज करे ऑडियंस को हर वक्त इस बात का पता रहना चाहिए मालूम रहना चाहिए कि वो एक एरिस्टोटलियन रियलिटी में नहीं है जहां पे रियल लाइफ की इमिटेशन हो रही है उनको बस ये पता होना चाहिए कि भाई हम एक प्ले देखने आए हैं ये प्ले एक वर्क ऑफ आर्ट है ये हम एक मैसेज कन्वे करेगा और इस मैसेज को समझने के लिए हमेशा हमें रेडी रहना पड़ेगा एक डिस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा हम कर चुके हैं सब पहले एलिनेशन इफेक्ट करना पड़ेगा और ये एलिनेशन इफेक्ट देके हम हमारी कैपिटलिस्ट सोसाइटी के जितने भी फ्लॉज हैं जितनी भी शॉर्टकमिंग्स हैं उसको ना कि सिर्फ हाईलाइट करेंगे पर बड़ा इफेक्टिवली उसको ऑडियंस तक पहुंचा भी पाएंगे ताकि ऑडियंस भी जो है अपना दिमाग लगा के सोचे कि भाई आखिरकार ये कितना एक्सप्लोइटेटिव है कैपिटलिस्ट सोसाइटी हमारे लिए कितना बुरा कर रही है ये हमारे लिए अनादर नोटेबल क्रिटिक वॉल्टर बेंजमिन

जो टेक्नोलॉजी जो चेंजेस लेकर आई थी उसकी वजह से जो हमारे मींस एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आया है हमारे उससे हमारा कल्चरल आउटपुट कैसे चेंज हो रहा है उन्होंने उसको जो है स्टडी करने की कोशिश की है अब मार्क्सिस तो यही मान के चल रहे हैं ना कि कोई भी लिटरेरी प्रोडक्ट है या कल्चरल प्रोडक्ट है वो असेंशली uh, एक मटेरियल प्रोडक्ट है और वो हमारे पर्टिकुलर सोसाइटी की मींस एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन से जो है गवर्नड हो रहा है तो अगर एक पर्टिकुलर एरा में सोशो सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे आर्टिस्टिक लिटरेरी कल्चरल प्रोडक्शन में भी चेंजेस आ रहे हैं पर्टिकुलरली मास मीडिया का जो ग्रोथ था उसके ऊपर जो है उन्होंने खास अपनी रिसर्च की हैं सो so, um, particularly influential was benjamin's attention to effects of changing material conditions in his essay the work of art in the age of mechanical reproduction benjamin proposes that modern technical innovations such as photography phonograph radio and especially the cinema have transformed the very concept and status of a work of art formerly an artist or author produced a work which was a single object regarded as the special preserve of the bourgeois elite around which developed a quasi-religious aura of uniqueness autonomy and aesthetic value independent of any social function the new media not only makes possible the infinite and precise re uh, reproductibility of the objects of art but affect the production of works which like the motion pictures are specifically designed ये इतनी लंबी कॉम्प्लिकेटेड लाइन को मैं थोड़ा सिंपल करके आपको समझाती हूँ uh, मेरे मेरे डैड मुझे कभी कभी बताते हैं जैसे कहते हैं बेटा आजकल ये आपके अमिताभ बच्चन हो गए शाहरुख हो गए सलमान हो गए आप बोलते हो कि ये सुपरस्टार्स हैं या फिर इनके बाद तो और कोई सुपरस्टार आएगा ही नहीं एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपने अभी देवानंद की फ़ैन फॉलोइंग ही देखी थी कि बैक इन द डे देवानंद की फ़ैन फॉलोइंग जो है कैसे होती थी आपने बैक इन द डे राजेश खन्ना की फैन फॉलोइंग देखी वो मतलब उनकी गाड़ियों के आगे गिर जाती थी आ, पता नहीं शायद देवानंद को काले कपड़े पहन के आने से मना कर दिया गया था बिकॉज उनको देख के बेहोश हो जाती थी एंड वॉट ऑल एंड वॉट नॉट सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि जिस पीरियड में अभी मास मीडिया या फिर मीडिया या फिर टेलीविजन अभी इतने कॉमन नहीं थे सोशल मीडिया तो अभी आया ही नहीं था उस पीरियड तक बिकॉज एक डिस्टेंस था बिटवीन दी सुपरस्टार्स एंड दी ऑडियंस उस डिस्टेंस की वजह से एक और क्रिएटेड था इनके स्टारडम के अराउंड स्टारडम अपने आप में एक और था और वो और एक फॉक की तरह था मिस्ट की तरह था आप उसके थ्रू नहीं गुजर सकते थे और वो एक क्वॉजी रिलीजियस एक कल्ट बना देता था मतलब वो जो फैंडम है वो जो फैन फॉलोइंग है वो कल्ट की तरह एक रिलीजन की तरह जो है लोग उसको फॉलो करते थे क्यों क्योंकि वो डिस्टेंस था अब सोशल मीडिया मास मीडिया आने से आपके जो स्टार्स हैं वो सुबह उठ के कौन सी चाय पी रहे हैं वो जिम से अभी अभी एक्सरसाइज़ करके आए हैं वो किस सलोन से जाके अपने बाल बनवा के आए हैं कल उन्होंने क्या पहना था परसों उन्होंने क्या पहना था आप उनको अच्छी अच्छी हालत में बुरी बुरी हालत में आप उनको हर तरीके से जो है हर मिनट अपने फ़ोन पर देख सकते हो तो सोशल मीडिया के आने से टेक्नोलॉजी के आने से मास मीडिया के आने से आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन जो है अब उनके अंदर जो यूनिकनेस है उसकी क्वालिटी ख़त्म हो गई है उसी की वजह से वो जो फैंडम की मिस थी वो जो और थी वो भी छट गई है इसलिए अब उस तरीके का फैंडम या स्टार्डम नहीं है जो पहले हुआ करता था ये बात आ गई है सबको समझ में अब ये सेम आप एंगल जो है यहाँ लिटरेचर पे उतार लो पहले के टाइम में वो जो एक ग्रेट ऑथर था जब वो अपना वर्क प्रोड्यूस करता था उसकी लिमिटेड कॉपीज़ प्रोड्यूस होती थी अगर मान लो वो कॉपीज बर्न हो गई तो वो फिर से आपको नहीं मिलेंगी या वो इतनी लिमिटेड कॉपीज़ थी कि आपको आपको एक्चुअली सबसे पहले जाके उसको लेके आना पड़ता था बिकॉज मास प्रोडक्शन अभी हो नहीं रहा था ये बुक्स जो है ये डोमिनेंट आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट कर रही थी तो इनके अराउंड एक और क्रिएटेड था अभी जो मास मीडिया के आने से घर घर में टेलीविजन आ जाने से घर घर में केबल लाइन डल जाने से जितनी भी खबर एक आम आदमी के लिए ज़रूरी हो सकती है उससे ज़्यादा खबर वो एंगेज कर रहा था उससे ज्यादा खबर में वो एंगेज कर रहा था तो जो न्यूज़ जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सोशल जनरल अवेयरनेस पहले सिर्फ रूलिंग क्लास के पास थी अब वो प्रोलेटेरियट के पास भी आ गई है अब वो लोअर क्लास के पास भी आ गई है उससे जो है वो uh, क्या कहते हैं वो जो मिस था अराउंड ऑथर वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया तो वो जो सुप्रीम लेजिटिमेसी थी ना ऑफ 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 अ डोमिनेंट क्लास राइटर ऑफ एन इलिट राइटर ऑफ द काइंड ऑफ लिटरे प्रोडक्शन दैट ही वॉज डूइंग वो और वो मिस जो है अब छट गई है ये सब मास मीडिया मास कल्चर ने किया है सच मोड्स ऑफ आर्ट बेंजामिन आर्ग्यूज, बाई डिस्ट्रॉइंग द मिस्टेक ऑफ द यूनिक वर्क ऑफ एन आर्ट सब्जेक्ट फॉर प्योर कंटेम्पलेन मेक पॉसिबल अ रेडिकल रोल फॉर द वर्क ऑफ आर्ट ओपनिंग द वे टू द फॉर्मुलेशन ऑफ रेवल्यूशनरी डिमांड्स इन पॉलिटिक्स ऑफ आर्ट तो अब जैसे Uh, 20th सेंचुरी में हम लोगों ने कैनन डिस्कस किया था जब हम लेटर सी डिस्कस कर रहे थे आपको ध्यान होगा मैंने बोला था कि कैनन फॉर्मेशन के बहुत सारे एंटी क्रिटिक्स हैं जिनका कहना है कि कैनन अपने आप में जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इलीटेस्ट है क्योंकि जो वर्क्स डोमिनेंट क्लासेस के थे उनको आप सेंटर ऑफ कैनन रख रहे हो बाकी वर्क्स को आप कैनन में इंक्लूड भी नहीं कर रहे हो या आप उनको मार्जिनलाइज कर रहे हो तो फोकस लाने की कोशिश है अब स्पेशली डी राइटिंग्स में रीडिंग्स में फ़ोकस ड्रॉ किया जा रहा था उन लिटरेरी वर्क्स पे असेंशली जो उस कैनन के बाहर थे या कैनन के मार्जिन पे थे राइट सो so, असेंशली यही बात कह रहे हैं अब यहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन वो कह रहे हैं कि मास मीडिया के आने से क्योंकि अब वो मिस छट गई है वो सेंस ऑफ यूनिकनेस इन आर्टिस्टिक प्रोडक्शन के अराउंड हट गई है तो अब हम इन वर्क्स को जो है वो अ, 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 अब हम उनको क्वेश्चन कर सकते हैं ठीक है अब हम देख सकते हैं कि इनमें क्या खामी है क्या सही है क्या गलत है मतलब राजेश खन्ना सब लोगों के लिए भगवान था

बुर्जुआ क्लास अपनी डोमिनेंट आइडियोलॉजी को यूज़ करके जो लिटरेरी आर्टिस्टिक प्रोडक्शंस कर रही थी पहले उनमें एक सेंस ऑफ यूनिकनेस थी एक सेंस ऑफ uh, एक एक्सक्लूसिविटी um, थी जिसकी वजह से उनको चैलेंज करना मुश्किल था उनके अंदर के फ्लॉज निकालना मुश्किल था लेकिन डी राइटिंग रीडिंग क्रिटिसिज्म जैसे अगेंस्ट द ग्रीन रीड करता है ना वर्क के अंदर फॉल्ट लाइन्स को निकालने की कोशिश करता है वो इसीलिए कर पाया क्योंकि मास मीडिया आ गया था मास मीडिया के आने से घर घर में जो है ये लिटरेरी वर्क आ गए इनके अराउंड जो मिस्ट है वो छंट गई बाइबल के साथ भी यही हुआ था जब तक बाइबल की ग्रीक और लैटिन ट्रांसलेशन थी आम आदमी के पास जब तक बाइबल नहीं थी तब तक चर्च आम आदमी को एक्सप्लोय कर रहा था रेफॉर्मेशन के आने से मार्टिन लूदर ने जो है वो जो ग्रीक लैटिन जो बाइबल्स हैं उनको जर्मन में ट्रांसलेट ट किया जॉन बाइकले फिर वहां से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और असेंशली वही पीरियड है जहां से सोशल ऑर्डर भी चेंज होने लगता है जॉफरी चौसर कैंटेबरी टेल्स भी लिख देंगे पेजेंस रिवोल्ट भी हो जाएगी और हंड्रेड ईयर्स वॉर भी हो रहा है वो सारे सोशल पोलिटिकल चेंजेस आप देखो एक साथ इंटरकनेक्टेड हैं ये राइट तो मार्क्सिस क्रिटिसिज्म काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए समझना क्योंकि पेपर में तो क्वेश्चन आएंगे आएंगे इनमें से इनके अराउंड ये कंसेपचुअल टॉपिक्स भी हैं जो आप अपनी थियोरी के साथ जोड़ के देख सकते हो कल को अगर आप लोगों को पीएचडी का रिसर्च थीसिस लिखना है टॉपिक लिखना है आपको कहीं एग्ज़ाम uh, आपको किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब में इंटरव्यू देने जाना है वहाँ पे भी अगर आप ये बातें करके आएंगे ना तो आप बहुत इंटेलिजेंट साउंड करेंगे कोशिश किया करिए कि अपनी ये क्रिटिकल थियोरेटिकल नॉलेज को अपने लिटरेरी नॉलेज से आप कनेक्ट करके देख सकें आपको अपना लिटरेचर और बेहतर तरीके से समझ आने लगेगा ठीक है आई थिंक आज काफ़ी हो गया आज की क्लास के लिए तो मैं क्लास को यहीं एंड करती हूँ मार्क्सिज्म अभी बचा है हमारा आई थिंक थोड़ा सा मैं देख लूँ कितना बचा हुआ है अभी तो बचा ही है तो कल की क्लास में हम इसको टेकअप करके कल हम मार्क्सिज्म को जो है ख़त्म कर देंगे आगे अभी बहुत और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं अगर आप कहीं और से तैयारी नहीं कर रहे हो और आप सिर्फ मेरी इस क्लास से सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो चाहे uh, कोई भी क्रिटिकल थियोरी है चाहे फेमिनिज्म है चाहे मार्क्सिज्म है इन वाली इस बुक में वो सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स थियरिस्ट और उनके सारे वर्क्स मैंशन हैं जो या तो पास में पेपर में आए हुए हैं या जिनके आगे आने के चांसेस हैं तो अगर आप इनको भी डिटेल में कर लोगे ना आप गुड टू गो हो अपने एग्जाम के लिए ठीक है बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तभी मैं कह रही हूँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच एवरीबडी हैव अ वेरी गुड डे एंड एल सी यू गाइस टुमारो कल वापस तीन बजे आऊंगी और प्लीज आज मैंने करवा दी थी बाबा क्लास साढ़े तीन तो देख के आया करो कि क्लास तीन है साढ़े तीन है कल तीन बजे ही मिलेंगे लेकिन और अगेन आप अगर बैचेस में इनरोल करना चाहते हैं आज शाम को हम फिर से आई थिंक मेगा पैक का के राउंड में एक सेशन भी लूँगी सो यू कैन यूज द कोड बाई फाइव फोर टू बैच में डिस्काउंट के लिए बैचेस हमारे एप्लीकेशन वेबसाइट पर आपको पता है कहाँ जा देखना है थैंक यू सो मच बाय